हुकूमत पंजाब के अहकाम पर तहसील ऑफिस गुजरावाला में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी, असिस्टेंट कमिश्नर सदर, तहसीलदार सिटी, कानूगो, ADLR सदर, ADLR सिटी, फील्ड अमला, पटवारी और दीगर रेवेन्यू अमला ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला दानिश अफजाल की जानिब से लोगों के मसाइल के फौरी हल के लिए फौरी तौर पर अहकामात जारी किए गए। तमाम साइलीन की दादरसी के लिए तमाम मुतलका महकमों के अफसरान और अमला मौजूद था। और इसके अलावा बंद फर्दों की बहाली के हवाले से रियल वन न्यूज़ TV की टीम से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल का मजीद कहना था। जी, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी में, जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला दानिश अफजाल साहब मौजूद हैं और लोगों की शिकायत जो लेके आ रहे हैं उन पे वो अपना ऑर्डर कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि खुली कचहरी के इनकाद में क्या बेहतरी और ला सकते हैं। जी मेहरबानी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये दो, अब आलमोस्ट हर बंदे को पता है कि यकम तारीख को यहाँ पे हम पहला जो वर्किंग डे होता है महीने का, उसमें तमाम रेवेन्यू अफसरान, तमाम फील्ड स्टाफ के साथ हम यहाँ मौजूद होते हैं ताकि एक ही छत के नीचे लोगों के मसाइल हल हों। और इसी तरह से गवर्नमेंट ने अभी इसको पहले दो दिन कर दिया है ताकि लोगों के मसाइल को देखते हुए और लोगों का रिस्पांस देखते हुए ये हम दो दिन इसको कंटिन्यू करें और दो दिन जो भी मसाइल हैं लोगों के उनको हल करें। तो इंशाल्लाह ताला जितने भी मसाइल हैं छोटे छोटे उनको हम कोशिश करेंगे कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा ज़ोर दें और उनको 100% इंश्योर करवाएँ कि वो हल हों। दूसरा सर ये बताइएगा कि हाउसिंग कॉलोनियों में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फर्दें ब्लॉक हुई हुई हैं, रेवेन्यू बिल्कुल बंद हो के रह गया है, गवर्नमेंट में जो रेवेन्यू जाता था वो भी बंद हो गया है, इस पर क्या सर आपने ऑर्डर किया है? जी उसमें बड़ा वाजह है जी, जो GDA ने जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ को इलीगल डिक्लेयर किया है या अन अप्रूव डिक्लेयर किया है, सिर्फ हम वहाँ पर ही जो म्यूटेशन हैं वो नहीं कर रहे, जब उनका स्टेटस क्लियर होगा तो उसको भी ड्यू प्रोसेस के तहत और पॉलिसी के तहत हम कर देंगे। उसके अलावा कोई भी अगर इस तरह का मसला है तो उसको देखने के लिए हमने ADC रेवेन्यू के अंडर एक कमेटी बना दी है जो केस टू केस बेसिस पे विद इन 1 वीक फैसला कर दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा सर बाई लॉज जो प्रॉपर्टी थी वो ब्लॉक नहीं होती थी, वो भी GDA ने बंद कर दी है, उसका कोई कानून नहीं है, कोई ऐसा वो बाई लॉज में नहीं आती, उसके बारे में कोई ऑर्डर जारी किया? ये देखिए, जो तो GDA का मैंडेट है उस पर तो GDA वाले ही बेहतर बता सकेंगे कि अगर वो बायलॉज में आती हैं या नहीं आती, तो उसका जवाब तो जो बेहतर दे सकेंगे। हमें तो जो GDA ने लिस्ट बताई है कि ये सोसाइटीज़ अन अप्रूव्ड हैं, हम सिर्फ उसी की हद तक अपने आप को महदूद रखेंगे ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल की जानिब से प्रॉपर्टी के मसाइल, फर्दों का मसला और रेवेन्यू से मुतल्लिक तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान को फौरी तौर पर अहकामात जारी करते हुए लोगों के मसाइल के हल को फौरी यकीनी बनाया गया। मैं यहाँ पे खुली कचहरी रेवेन्यू अवामी खिदमत में मौजूद हूँ, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला का कहना है कि GDA से मुतल्लिक जो फर्दें ब्लॉक की गई हैं उसकी एक कमेटी बना दी गई है जो पे उस पर अमल कर रही है, और जो गैर कानूनी और गैर मंजूरशुदा हाउसिंग कॉलोनी है ज़ाहिर है उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई जारी रहेगी, और जो जिन्होंने बाई लॉज उस पर अपना अमल दरामद किया है या वो बाई लॉज कर रहे हैं उनकी फर्दें खोली जाएंगी। जी, ये जवाब रियल वन TV गुजरावाला।